एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और मुझसे पहले मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे सुबह। टिम टिम के तो अपने अलार्म क्लॉक के अकॉर्डिंग उठ जाती है और वो उठ करके हमारे पास आ गई थी। एंड राम भी उसके साथ ही उठ गया था और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, बिकॉज़ ठंड इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना अब यहाँ पर भी। ऑफकोर्स नॉर्थ जितनी नहीं, बट फिर भी पुणे के अकॉर्डिंग होने लग गई है। सो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि सुबह उठूँ, लेकिन क्या करें, किचन में जाना पड़ता है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना पड़ता है। सो आंखें मलते मलते किचन में आई मैं, और जो जो मैंने तैयारी करके रखी थी ना, वो सारी चीज़ें फ्रिज में से निकाली। तो आज मेरा बेसिकली प्लान था टिम टिम के लिए बर्गर बनाने का, बिकॉज़ आज उसके स्कूल में जंक डे है तो उसको बर्गर लेकर के जाना था। तो मैंने बन मंगा लिया था बिग बास्केट से, और बर्गर के लिए रात में ही मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे। और इसमें मैं साथ में डालूंगी एक गाजर और थोड़ा सा, मतलब हाफ बीटरूट भी डालूंगी और स्पाइसेस डालूंगी। सो ये सारी चीज़ें मैं टिमटिम के बर्गर में डालने वाली हूँ। और मेरे लिए मैं बनाने वाली हूँ मूंग को हल्का सा फ्राई बॉईल करके। मेरे हस्बैंड के लिए और टिमटिम के लिए, दोनों के लिए बर्गर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें ग्रेट कर दी थी। अभी ग्रेट करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल दिया बिना स्पाइसेस डाले, राम के लिए, क्योंकि राम के लिए भी मुझे टिक्की बनानी थी। उसको मैंने सोचा थोड़ा, जब ऐसे कुछ बनता है ना जो वो खा सकता है, तो मैं सुबह ही थोड़ा सा उसको बना करके भी प्री ब्रेकफास्ट करा देती हूँ उसका। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए निकाल दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने सारे स्पाइसेस मिलाए और थोड़ा कॉर्न स्टार्च भी मिलाया था, ताकि जो टिक्की है वो बाइंड भी अच्छे से हो, प्लस थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो। इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं ना शैलो फ्राई करूँगी घी में। तो टोटल 4 टिक्की बन रही थी, 2 हस्बैंड की, 2 टिमटिम की। देन मैंने जो मेरा कास्ट आयरन का तवा था ना, उसमें मैंने घी लगाया और फिर इसको मैंने शैलो फ्राई किया। आप चाहे तो इसको ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं तेल में, लेकिन तेल या घी जिसमें भी आप फ्राई करेंगे। बट मुझे एक्चुअली अनहेल्दी को भी थोड़ा हेल्दी रखना था, मैंने इसलिए इसको ना शैलो फ्राई किया। वैसे देखा जाए तो अनहेल्दी सिर्फ वो बन है जो कि मैदे का है, एंड वंस इन अ वाइल ठीक है, खा सकते हैं बच्चे ये सब, है ना। तो मैंने इसलिए शैलो फ्राई किया था। ऑफकोर्स आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी सी भी हुई थी। तो मैंने इसको ना फ्राई करते टाइम कवर कर दिया था, ताकि अच्छे से पक जाए और अच्छी लगे खाने में भी, टेस्ट अच्छा सा आए। ये टिक्की इधर ऑलमोस्ट रेडी हो रही थी। मीनवाइल मैंने ना ये सॉस भी थोड़ा सा, मतलब जो अपना मेयोनीज होता है, मेयोनीज प्लस जो रेड सॉस होता है, उन दोनों को मैंने मिक्स करके बर्गर में लगाने वाला सॉस बना लिया था। इस पे मैं ना सब्जियां नहीं डालती, लाइक अनियन और क्यूक्यूम्बर, टमेटो, ये सब नहीं डालती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो थोड़ा ना टिफिन के टाइम तक के बहुत सॉगी हो जाता है और फिर वो पूरा बर्गर जो है ना बिगड़ जाता है। ये फिर मैंने छोटा सा ना राम के लिए भी टिक्की टाइप थोड़ा सा ऐसे घी में रख दिया था तवे पर, कि घी में थोड़ा सा वो पक जाए, गर्म सा हो जाए। और ये टिमटिम के बर्गर रेडी है, एक उसने खाया था और एक में से उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया था। दूसरा वाला बड़ा मुश्किल से टिफिन में घुसा, बट मैंने एनी हाउ मैनेज कर दिया था। हस्बैंड के लिए भी जो टिक्कियाँ बनाई थी वो भी रेडी थी, तो कवर करके रख दी मैंने। टिमटिम को टिफिन दे करके 2 चोटी बांध के और रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए। बस टिमटिम को सी ऑफ किया, टिमटिम से बातें करते करते उसके पापा जाते हैं उसको ड्रॉप करने के लिए स्कूल, बिकॉज स्कूल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में है। बस टिमटिम के जाने के बाद फिर मैंने राम को पूरा टाइम दिया अपना। टिमटिम को डैडी गए छोड़ने के लिए, और मैं राम को भी उसकी जो टिक्की थी ना वो खिला रही हूँ। तो राम का ये हो रहा है ब्रेकफास्ट। कभी मोस्टली इतनी सुबह सुबह नहीं कराती हूँ मैं, मोस्टली जैसे अराउंड 9:30 के आसपास कराती हूँ, जब ये अपनी सेकेंड नैप लेके उठ जाता है ना तब। बट आज अभी था वो रेडी गरम गरम, तो मैंने कहा कि आज वो करा देती हूँ। मतलब जिस दिन सुबह टिमटिम के लिए कुछ ऐसा बनता है जो राम खा सकता है, उस दिन इसका एक छोटा सा ब्रेकफास्ट पहले भी हो जाता है टाइम से पहले, स्नैक टाइप। तो बस अभी इसको ये खिला के एंड फिर इसको मैं सुलाऊंगी, क्योंकि ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, अराउंड 6:30 उठ गया। बह अच्छा, वहाँ पे रोबोट है ना नीचे, उसको देख के बोल रहा है। देखिए किचन, किचन में दिख रहा है ना, उसको देख के कुछ कुछ बोल रहा है। बस इसको अभी उतने मन से नहीं खा रहा, बट थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के खिलाती हूँ ना तो खा लेता है। बस यही खिला रही हूँ, एंड हस्बैंड के लिए भी रेडी कर लिया है। मेरे तो मैं मूंग फ्राई करूँगी, फ्राई बोले तो मतलब थोड़ा सा प्याज टमाटर, बहुत कम सरसों तेल में, उसको थोड़ा पानी के साथ में अच्छे से कढ़ाई में ही बॉयल एंड फ्राई टाइप करूँगी।
वो मैं करूँगी आज ब्रेकफास्ट। सो बस ये बात, सुबह तो यार मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, मतलब आज उठने का ही मन नहीं कर रहा था। मैंने एक्चुअली कल रात में एमिली इन पेरिस देखना स्टार्ट किया, मैंने बहुत रिव्यूज सुने थे, तो मैंने अभी तक एक भी सीजन देखा नहीं था। सो कल फर्स्ट सीजन के 7 एपिसोड्स एक ही बार में मैंने देख लिया। वैसे बहुत लेट नहीं, 12 बजे तक ही जगी थी, क्योंकि हम लोग कल सब जल्दी चले गए थे बेड पे, लाइक अराउंड 9:30 चले गए थे, बच्चे सो गए थे 9 बजे। सो मैंने सोचा कि कुछ नया देखते हैं, तो एमिली इन पेरिस देखना स्टार्ट किया। तो अराउंड 12 o'clock के आसपास तक के 7 एपिसोड्स देखे, फिर मुझे बहुत नींद आने लग गई, तो मैं फिर सो गई। तो एक्चुअली पता क्या होता है, ऐसे न्यू चीज़ें स्टार्ट करना तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर क्या होता है वो देखना है के चक्कर में ना नींद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और घर के काम भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते ही हैं। क्या हुआ बेबी? सो मेरा नाश्ता जो है वो रेडी है, ग्रीन मूंग, बिल्कुल धुआं निकलते हुए, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी नाश्ता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। खैर कच्चा प्याज कच्चा टमाटर भी ऊपर से डालो ना तो अच्छा लगता है, बट मेरे पास ना एक्चुअली इतना टाइम नहीं था, मैं घर के सारे काम और इन सब में ही इतना लेट हो गई थी ना कि मैं ना जल्दी जल्दी खाती, बिकॉज मुझे धूप में जाना था। और राम को टिक्की खिलाने के बाद में, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं उसको ऐसा कुछ खिलाती हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मुझे लगता है उसको कुछ तो भी अभी फिलहाल प्यूरे टाइप भी खिलाऊँ। तो मैंने उसको फिर एक बनाना का प्यूरे बना करके खिलाया था, और फिर 11 बज गए थे अराउंड, तो 8 बजे उसको मैंने टिक्की दी थी, 11 बजे के अराउंड उसको मैंने थोड़ा सा बनाना का प्यूरे दिया था, और फिर हम लोग नीचे चले गए थे, मैं उसको धूप के लिए नीचे लेके चली गई थी। मेरे घर में ना एक्चुअली बहुत लेट धूप आती है, 2 बजे के बाद धूप आती है, तो कोई मतलब नहीं, तो सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, तो सुबह मतलब मेरे लिए 11 बजे से जल्दी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कभी कभी 9 बजे भी ले जाती हूँ उससे नीचे, लेकिन इस दिन 11 बजे गई थी, और अब देखिए धूप बहुत ही कम है, धूप उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, बट फिर भी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो सही। सो मैं उसको घास में रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा घास को फील करे, अच्छा लगे उसे, बट वो पूरे टाइम ना कचरा उठा उठा के नीचे से मुँह में डालता है, बिकॉज अभी वो इतना छोटा है, छोटे बच्चे इस एज के बच्चे हर चीज़ मुँह में डालते हैं, तो वही चलता है इसका, हर चीज़ मुँह में डालता है, और मैं हमेशा इसको मना करती होती हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं। तो मेरा पूरा टाइम जब मैं नीचे जाती हूँ तो बिल्कुल अटेंशन में जाता है कि मैं पूरे टाइम ध्यान दूँ कि वो मुँह में कुछ भी ना डाले, घास पत्ते पत्थर हर चीज़ उसको चाहिए। सो नीचे मुझे भी एक्चुअली धूप में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि ना कमर और पैर का दर्द ना ठंड में थोड़ा ज़्यादा ही होने लगता है, तो धूप में जाओ थोड़ी धूप में सिकाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। नीचे से आकर के मैंने राम को सुला दिया, अब मैं चाय बना रही हूँ। आज सुबह से ना चाय नहीं मिली है अच्छी वाली क्या मिली है नहीं है, बिकॉज आज हर चीज़ में लेट हो गया, मुझे ब्रेकफास्ट ही मैंने बहुत लेट किया। तो मैं अभी बनाऊँगी चाय, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय। दिन में मेरी अभी ठंड है तो 2-3 चाय कभी कभी हो जाती है, नहीं तो 2 तो होती ही है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की चाय। और बस अभी यह थोड़ा कम दूध वाली चाय पीना स्टार्ट कर दिया मैंने, पानी थोड़ा ज़्यादा दूध थोड़ा कम, बट अदरक थोड़ा अच्छे से, बस मतलब कम दूध की चाय पीनी चाहिए। एंड मुझे अभी ना एक फर्स्ट क्राई का पार्सल रिसीव हुआ, मैंने टिमटिम के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मंगवाए थे, तो उसमें से एक अभी क्रॉप टॉप आया है, वो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी प्यारा है ना। मैंने ये अभी आप सोचोगे इतनी ठंड में प्रीति ने ये खतरनाक क्रॉप टॉप मंगाया टिमटिम के लिए, एक्चुअली क्या ना डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था अभी फिलहाल इस क्रॉप टॉप पे, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है ना, तो मुझे दिखा ये फर्स्ट क्राई पर, इसका प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मस्टर्ड येलो कलर काफ़ी डिफरेंट है, जीन्स के साथ डेनिम के साथ अच्छी लगेगी टिमटिम, सो एक ये ले लिया। एंड इवन मैंने एक आध सेट भी लिया उसके लिए, जिसमें क्रॉप टॉप के नीचे बॉटम है, ये सब काफ़ी सुंदर सुंदर, तो समर्स के लिए आप बोल सकते हैं कि शॉपिंग थोड़ी बहुत करी मैंने टिमटिम के लिए, तो मैंने सोचा मैं दिखाती हूँ अभी। जस्ट बिल्कुल प्योर कॉटन में है, तो मुझे एक्चुअली ना फर्स्ट क्राई से दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट ड्रेसेस मिलती हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं, ये यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं आपको। और पता है जनरली मैंने ऐसा लोगों के मुँह से, अब मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ना लड़कियों के लिए शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, बॉयज़ की शॉपिंग बोरिंग होती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पता मुझे राम की शॉपिंग करने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना मुझे टिमटिम के लिए शॉपिंग करने में आता है, बिकॉज या तो हो सकता है कि मैंने टिमटिम के लिए जब वो छोटी थी तब इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, चाहे हेयर
एक्सेसरीज, शूज, कपड़ों से लेकर के हर चीज़ की, कि मेरा वो गर्ल वाला अभी मुझे सेटिस्फाइड हुआ, मुझे बॉयज़ के वो जो क्यूट क्यूट से शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और टाई और ये सब रहते हैं ना, वो मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है, उनके क्यूट क्यूट से शूज़, सॉक्सेस। तो मैं तो अभी फ़िलहाल राम के लिए शॉपिंग करना भी बड़ा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार लड़कों की शॉपिंग कितनी बोरिंग होती है, देखो लड़कियों की शॉपिंग कितनी मस्त, कलरफुल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट मुझे तो राम के लिए भी अब शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बस मैंने चाय पत्ती डालनी है, गुड़ अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में डालूंगी, एंड थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ। और अब मैं फिर लगाऊंगी एमिली इन पेरिस, कंटिन्यू करके देखती हूँ। क्या है, अभी राम सो रहा है ना, तो मेरा थोड़े से सुकून से चाय के चुस्कियाँ लेते लेते टीवी देख लूँगी। मुझे ना टीवी तभी देखना पसंद है जब घर में शांति हो, या तो बच्चे सो रहे हो, या तो टिमटिम स्कूल में हो और राम सो रहा हो। रात में भी मुझे ना जब ये सब जगह होते हैं बच्चे और की कहाँ चलता रहता ना, तब मुझे टीवी देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है अभी इन लोगों को ही पूरा टाइम देते हैं, जब ये लोग सो जाते हैं तब मैं मोस्टली टीवी देखती हूँ, और नहीं तो दिन में जब टिमटिम नहीं रहती है घर पे और राम अकेला सो रहा होता है तब देखती हूँ। तो अभी वो फ़िलहाल सो रहा है तो मैं थोड़ा सा टीवी एंजॉय करूँगी, और हस्बैंड की तो कॉल चल रही है। मुझे दाल भी चढ़ाना है एक्चुअली, क्योंकि राम उठेगा उसके थोड़ी देर बाद, उसको खाना देना होगा मुझे। दाल चावल उसके लिए बना लेती हूँ मैं। आवाज़ क्यों कर रहा है? यस, सो टीवी देखने का चश्मा लगा लिया है मैंने, चाय ले ली है मैंने ग्लास में, बिकॉज ग्लास में थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक के गर्म रहती है ऐसा मुझे लगता है, तो ग्लास में ले ली है चाय। हस्बैंड को उनके ऑफिस डेस्क पर ही, मतलब वो स्टडी टेबल पर जो बैठे वहीं पर चाय दे दिए, और मैं मेरी चाय पीऊँगी, एंजॉय करूँगी। बस टीवी चालू हो रही है, मज़ा आ रहा है मुझे वेब सीरीज़ देखने में। आप लोग बताना किसने किसने देख लिया, मैंने तो एक्चुअली अभी स्टार्ट ही किया, फर्स्ट सीज़न ही देख रही हूँ, दो सीज़न और है, मज़ा आ जाएगा। बट ये कि टाइम बहुत वेस्ट होता है यार। तो बेसिकली दाल चढ़ा दी है मैंने, सब्ज़ी क्या बनानी है वो निकाल ली है। मैं बनाने वाली हूँ पालक, बैंगन, मूली, टमाटर, आलू की सब्ज़ी तो ये बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी ये, और राइस बनाऊँगी। सैलड वगैरह तो पहले ही खा लूँगी खाने के पहले। सो ये है मेरा लंच, सोचा तो था कि सैलड पहले खा लूँगी बट टाइम नहीं मिला सैलड पहले खाने का। सुबह की थोड़ी सी मूंग बच गई थी तो वो भी ले लिया। ये मैंने रोटी ली है, ब्रान की रोटी, सैलड और सब्जी। ये है मेरा लंच, सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी। हम वॉक पे जा रहे हैं, इवनिंग वॉक है ना राम, ये तो देखो बिल्ली टोपी। हाँ पापा आ रहे हैं, डोंट वरी, पापा आ रहे हैं। नेक्स्ट डे है, मैंने कल घूम कर आने के बाद मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, और अभी मॉर्निंग टाइम है और मैं रेडी हो रही हूँ, बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं राम के वैक्सीनेशन के लिए। सो मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग तो वहीं पर बंद कर दिया था, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सो बस राम का 9 मंथ का, मतलब वो जस्ट आज ही 9 मंथ का हुआ है, तो आज उसके 9 मंथ वाले वैक्सीनेशन की डेट है, तो बस हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन का। और आज बहुत ठंड है, मतलब धूप भी नहीं निकली है, एंड मुझे तो सुबह से इतना बॉडी पेन हो रहा है ऐसा, मतलब यहाँ नेक से लेके पूरा पैर तक के खतरनाक वाला दर्द हो रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है मैं सो जाऊँ ब्लैंकेट लगा के, ब्लैंकेट ओढ़ के। शायद वेदर की वजह से है कि क्यों है नहीं पता मुझे। तो आती हूँ मैं पहले डॉक्टर के यहाँ से, दाल वाल बना दिए दोपहर के लिए, ताकि आ कर के खाना खाने में ज़्यादा लेट ना हो। ब्रेकफास्ट में भिंडी पराठे बनाए थे, सो वो भी मैंने अभी नहीं किया, जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा हल्दी का दूध पी लेती हूँ नाश्ते में, और पराठा सिर्फ थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि ताकि जो बॉडी पेन है ना वो ठीक हो जाए। मेरा पेन क्यों मिल गया। सो बस दाल बना के जा रही हूँ ताकि टाइम ना लगे। नो मेकअप एट ऑल, आजकल मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ, बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। हाँ लेकिन थोड़ा सा टेंट ज़रूर लगा लेते, वैसे क्या फ़ायदा, मास्क लगा के जाऊंगी
और लिप्स में न्यू सा कोई सा कलर लगा लेती हूँ ताकि ऑलरेडी मेरे पिगमेंटेड लिप्स है, कुछ नहीं लगाने से वो काफ़ी अजीब लगता है। यस सो हो गई हूँ मैं रेडी। राम भी रेडी है, सब रेडी है, बस मिल्क थोड़ा सा मेरा गर्म हो रहा है, फिर मिल्क पी के मैं निकल जाऊंगी हॉस्पिटल। यप सो हो गई रेडी। यस सो हियर आई एम। ये पहना है क्रॉप टॉप और नीचे है प्लाजो वाइट। एक ही अभी ये मेरे पास में प्लाजो है, मैं सोचूँ थोड़ा वेट लॉस हो जाए फिर जाके जूडियो से डिफरेंट कलर्स और ले लूँगी।